दोस्तों क्रिकेट से जुड़े तो मैं आपको बहुत सारे अननोन सी चीज़ें बताते रहता हूँ और क्रिकेटर्स के बारे में भी मैं आपको बहुत सारे अननोन सी चीज़ें बताते रहता हूँ और आज भी मैं अननोन बातें एक बताऊंगा जो कि सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम लोग सोचते हैं क्रिकेट में एंट्री मिलना बहुत इनिशियल एज में अगर नहीं होता है तो बाद में जाकर नहीं हो सकता है और एंट्री भी मिल जाए तो हम सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। तो आज का जो हमारा क्रिकेटर्स का लिस्ट होगा वो होगा उन सब क्रिकेटर के बारे में जो कि लेट एज में यानी बहुत देर से डेब्यू करने के बाद भी सक्सेसफुल हुए हैं अपने इंटरनेशनल करियर में। या दोस्तों सब कुछ बताऊंगा मैं, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों इस लिस्ट में मैं काउंट डाउन उल्टा करूंगा यानी 5 से शुरू करूंगा और सबसे पहला नाम जो है पाकिस्तानी है सईद अजमल। सईद अजमल का जो T20 और ODI डेब्यू है वो डेब्यू हुआ था 30 साल के उम्र में। पाकिस्तान के 2009 साल में T20 वर्ल्ड कप विनिंग में सईद अजमल का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। उनके झोली में बहुत रिकॉर्ड भी है, जैसे कि 2011 साल में एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे सईद अजमल, जो कि था 50 विकेट टेस्ट मैचेस में। 2014 साल में ICC द्वारा बैन किया गया था 3 साल के लिए और बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और अपना रिटायरमेंट घोषणा किया था 2017 साल में। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं ब्रैड हेडिन। या ब्रैड हेडिन बहुत अर्ली एज में वो एंट्री ले सकते थे क्रिकेट में, लेकिन ब्रैड हेडिन थे एक विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन उनका जगह यानी विकेट कीपर का जगह ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी लिया हुआ था एडम गिलक्रिस्ट द्वारा। हिस्ट्री में ऐसा क्रिकेटर शायद ही दूसरे बार देखा गया हो। और ब्रैड हेडिन भी अपने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए थे। 2015 साल तक 66 टेस्ट मैचेस खेले ब्रैड हेडिन, बाद में 2013-14 साल में वाइस कैप्टन भी बना अपना क्रिकेट टीम का। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं क्रिस रॉजर्स। 2008 साल में क्रिस रॉजर्स की डेब्यू हुआ था और ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था और ये भी 30 साल के ही उम्र में डेब्यू वाले बैट्समैन थे। 2013-14 में डेविड वार्नर के साथ एशेज में जो पार्टनरशिप था वही पार्टनरशिप उनको एशेज मैच जिताने में मदद किया था पूरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रायन हैरिस। न्यूजीलैंड के रायन हैरिस भी 30 साल की उम्र में डेब्यू किए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में और डेब्यू के बाद ही उनके तुलना होने लगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिवेस्टेटिंग बॉलर है, जो डेंजरस बॉलर है डेल स्टेन और जेम्स एंडरसन के साथ। लेकिन रायन हैरिस के साथ एक ही इशू हो रहा था, उनको बहुत इंजुरीज आने लगा और बहुत जल्दी उनको रिटायरमेंट की घोषणा भी करना हुआ इसी वजह से। दोस्तों एक नंबर पे जो प्लेयर है ये क्रिकेटर IPL में भी खेल चुका है कुछ ही दिन पहले ही, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स सभी टीम से खेल चुका है और वो है माइकल हसी। मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है माइकल हसी को और उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया था अपने 31 साल की उम्र में। जी हाँ, जब 31 साल का एज था। 31 साल की उम्र में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी है कि रिटायरमेंट ले लेते हैं लेकिन हसी तो फसी। डेब्यू करने के बाद ODI T20 टेस्ट क्रिकेट हर जगह पर अपना जलवा दिखाए थे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो फिनाले हो बहुत सारा मैच माइकल हसी अपने अकेले के दम पे जिताए हैं और IPL में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और 2013 साल में 733 रन बना के IPL में ऑरेंज कैप भी हासिल किए थे माइक हसी ने। तो दोस्तों आपको क्या सब पता था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों, साथ में ये भी लिखे क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।